दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पुराने समय काफ़ी डाकू हुआ करता था। भारत में ऐसे बहुत सारे डाकू था जिनका नाम सुनकर आज भी लोग थर थर कांपते हैं। आज मैं आपको ऐसे 10 सबसे खतरनाक डाकुओं की बारे बताऊंगा जिनके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। नंबर 1, डाकू मान सिंह। डाकू मान सिंह को भारत की सबसे खतरनाक डाकू माना जाता है। साल 1939 से लेकर 1955 तक चंबल में डाकू मान सिंह का राज था। पहले तो वो एक आम इंसान था, लेकिन सरकार द्वारा गांव वालों की जमीन पर कब्जा कर लेने की वजह से मान सिंह उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिला। तो मजबूरन 17 लोगों के साथ एक गैंग बनाया। इसमें ज़्यादातर उनके परिवार के लोग शामिल था। उसने अपने जीवन में करीब 1200 लूट और 185 मर्डर किया था, लेकिन गरीबों के लिए रॉबिनहुड की तरह था। वो लूट करने के बाद गरीबों में सब कुछ बांट देते थे, लेकिन उन्होंने कभी महिलाएं और बच्चों के ऊपर शोषण नहीं की। साल 1955 में मध्य प्रदेश की एक भेड़ में एक एनकाउंटर के दौरान मान सिंह मारा गया। आज भी उनके गांव में मान सिंह की एक मंदिर है जहां भगवान की तरह उनका पूजा किया जाता है। नंबर 2, डाकू बीरप्पन। डाकू बीरप्पन को भारत की दूसरा सबसे खतरनाक और मशहूर डाकू माना जाता है। बीरप्पन की आतंक केरल तथा तमिलनाडु की जंगलों में था। बीरप्पन ने अपने अपराधों की शुरुआत अपने रिश्तेदार सेबी गंदोर का असिस्टेंट बनकर की थी, जो चंदन की लकड़ियों का तस्कर था। उसके बाद बीरप्पन ने भी चंदन की लकड़ियाँ और हाथी की दांतों का तस्करी शुरू कर दी। उनके काम के भी जो भी आता था वो उसे मार देता था। उसने 17 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था। उसके द्वारा मारे जाने वाले ज़्यादातर लोग पुलिस ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर और खुफिया जानकारी होता था, लेकिन बुरा काम की अंजाम बुरा ही होता है। 18 अक्टूबर साल 2004 में एक एनकाउंटर के दौरान उनकी मौत हो गई। नंबर 3, निर्भय सिंह गुज्जर। निर्भय सिंह गुज्जर को भारत की तीसरा सबसे खतरनाक डाकू माना जाता है। निर्भय सिंह गुज्जर को चंबल की मशहूर डाकुओं में से एक माना जाता है। निर्भय सिंह गुज्जर ने एक फौज तैयार किया था जिसमें 50 लोग शामिल था। निर्भय की खौफ से आसपास की लगभग 200 गांव के लोग डरते थे। निर्भय सिंह गुज्जर को पकड़ने के लिए सरकार ने 50,000 की इनाम भी रखा था। साल 2005 में पुलिस एनकाउंटर में निर्भय सिंह गुज्जर मारा गया। नंबर 4, सुल्ताना डाकू। 20वीं सदी की सबसे खतरनाक डाकुओं में सुल्ताना डाकू के नाम भी आते हैं। सुल्ताना 17 साल की उम्र में अंग्रेज ऑफिसर की अत्याचार से डाकू बना और 40 साल की उम्र तक सक्रिय रहा। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाका पर राज करता था। सुल्ताना डाकू की दिमाग बहुत ही तेज था। डाकू बनने की एक साल के अंदर उन्होंने करीब 100 लोगों की गैंग बना लिया। उसने अंग्रेजों की नाक पर इतना दम कर दिया कि उसे पकड़ने के लिए इंग्लैंड से 300 सेनाओं की स्पेशल टीम मंगाई गई थी। साल 1923 में अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और उसकी एक साल बाद 15 साथियों के साथ उसे भी फांसी पर लटका दिया गया। उत्तर प्रदेश की नजीबाबाद में आज भी एक किला है जिसे सुल्ताना किला के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, पुलन देवी। पुलन देवी को भारत की सबसे खतरनाक महिला डाकू माना जाता है। पुलन देवी ने अपने साथ हुए अत्याचार की बदला लेने के लिए डकैत की दुनिया में कदम रखी थी। पुलन देवी के साथ कई लोगों ने बलात्कार किया था। डाकू बनने के बाद उन्होंने 21 ठाकुरों को एक साथ खड़ा करके वो गोली मार दी। साल 1983 में इंदिरा गांधी के कहने पर पुलन देवी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और 11 साल तक सजा काटने के बाद एक आम जिंदगी जी। 25 जुलाई साल 2001 में शेर सिंह राणा नाम की एक शख्स 21 ठाकुरों की मौत की बदला लेने के लिए पुलन देवी को गोली मारकर हत्या कर दी। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। इनमें से कौन सा डाकू सबसे खतरनाक है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आसानी से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बहुत इन्फॉर्मेशन अनोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस।
गुड बाय।